नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश हमारे YouTube चैनल एग्री पाथ मेकर्स पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली जो अपने क्लास मैंगो कल्टीवेशन पढ़ा था उसके बाद में आज अपन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप पपीता के ऊपर डिस्कस करेंगे, पपाया है ना। देखो सबसे ज़्यादा जो फ्रूट क्रॉप है, इम्पोर्टेंट जो फ्रूट क्रॉप थे मैंगो, उसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। उसके बाद में पपाया से भी बहुत सारे एग्जाम हैं जिनमें कहीं ना कहीं से एक प्रश्न आ ही जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पपाया का कॉमन नेम की बात करें, यानी कि जो जनरल नाम से जाना जाता है, तो उसकी बात करें तो इसको मेलन ट्री कहा जाता है, मेलन ट्री, ठीक है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट फ्रूट भी कहा जाता है, ब्रेकफास्ट फ्रूट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन नाम करें इसका क्लासिफिकेशन का, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, तो सबसे पहले वैज्ञानिक नाम इसका है केरिका पपाया, केरिका पपाया। अब देखो केरिका की जो है दो तीन और स्पीशीज है केरिका पपाया की, अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग विशेषताएं हैं। जो कॉमन स्पीशीज है जनरली जो ज्यादातर यूज की जाती है वो है केरिका पपाया, ठीक है। इसके अलावा एक है केरिका, केरिका केंडामार्मोसिस, केरिका केंडामार्मोसिस, ठीक है। इसके अलावा एक और स्पीशीज है केरिका पेंटागोना, इसके अलावा एक और स्पीशीज है केरिका कॉलीफ्लोरा, ठीक है। ये जनरली जो पपीता की स्पीशीज है वो ग्रो करवाई जाती है। देखो सबसे इम्पोर्टेंट तो केरिका पपाया है, ये ज्यादातर उगाई जाती है। इसके बाद में ये जो केरिका केंडामार्मोसिस है, ये एक उत्परिवर्तित पपीता है, ठीक है ना। उत्परिवर्तित स्पीशीज है, ध्यान रखना, उत्परिवर्तित स्पीशीज। एक बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से पपीता की उत्परिवर्तित स्पीशीज कौन सी है, तो फिर हो जाएगी केरिका केंडामार्मोसिस, ठीक है। इसके अलावा पेंटागोना की बात करें तो जो ये पेंटागोना है ये पाला रेसिस्टेंट है ना, पाला के प्रति सहनशील है, सहनशील है, ध्यान देखना। अगर पूछे कि निम्न में से पाला के प्रति सहनशील स्पीशीज कौन सी है, तो फिर आपकी हो जाएगी केरिका पेंटागोना। एक है केरिका कॉलीफ्लोरा, ये जो केरिका कॉलीफ्लोरा है इसकी विशेषता है कि इसमें किसी प्रकार के वायरस का अटैक नहीं होता, वायरस रहित स्पीशीज है, ठीक है, वायरस रहित स्पीशीज। देखो जो पपीता की फसल है ना, पपीता में वायरस का प्रकोप है वो ज्यादा रहता है, ठीक है। तो वायरल सबसे ज्यादा इसमें जो रिंग स्पॉट है उसकी दिक्कत ज्यादा रहती है। तो ये जो स्पीशीज है केरिका कॉलीफ्लोरा वो वायरस रहित है। दूसरी स्पीशीज केरिका पेंटागोना, इसमें पाला का प्रभाव है वो नहीं होता। वैसे केले जो पपीता की फसल है उसमें पाला सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। एक तो पाले के प्रति सहिष्णु है, दूसरी इसमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखो एक ये केरिका केंडामार्मोसिस है, ये एक है उत्परिवर्तित स्पीशीज है ना। तो ये चार नाम आपको याद रखने हैं, केरिका पपाया, दूसरा केरिका केंडामार्मोसिस, तीसरा केरिका पेंटागोना और चौथा केरिका कॉलीफ्लोरा। ये चार चीज आपको नाम रहे, चार नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन कुल की बात करें तो इसका कुल है केरिकेसी, कुल केरिकेसी, ठीक है। उत्पत्ति स्थान की बात करें, उत्पत्ति स्थान इसका है उष्ण अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका भी आ सकता है, एक ही बात है उष्ण अमेरिका, ठीक है। इसके अलावा अगर उष्ण अमेरिका नहीं आता है तो आपके ऑप्शन में आ जाएगा मेक्सिको, ठीक है, मेक्सिको या उष्ण अमेरिका, एक ही बात है ना। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें इसकी और, जैसे बात करें खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग इसका है मिजोकारप, मिजोकारप या इसको बोलते हैं हिंदी में मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, ठीक है। इसके अलावा अगर फल प्रकार की बात करें तो फल प्रकार इसका है बेरी या जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्स, ठीक है। इसके अलावा गुणसूत्रों की बात करें
गुणसूत्रों की संख्या इसमें होती है 18। ठीक है, अब देखो ये चार चीजें, पुष्प क्रम की बात करें तो पुष्प क्रम इसका होता है संयुग्मद होता है या फिर इसको पेनिकल बोल दिया जाता है ना, पेनिकल। अब देखो जो कुल है वो कैसे हो गया, वैज्ञानिक नाम से अपने याद हो जाएगा। दूसरा उत्पत्ति स्थान है उत्तर अमेरिका, अगर उत्तर अमेरिका ऑप्शन में नहीं आता है तो ऑप्शन में आपको मेक्सिको मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा ये जो खाने योग्य भाग है मेजोकार्प या मध्य फल भित्ति बोलते हैं, ये जो प्रश्न है वो एक बार आया हुआ है आपके जेट में आया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसके बाद में जो फल प्रकार है वो सरस है। ठीक है, सरस क्या होता है, मेजोकार्प क्या होता है, पेरिकार्प क्या होता है, ये अपने जो पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं इनके बारे में डिटेल से अगर आपको जानना है तो पुरानी जो प्ले लिस्ट हॉर्टिकल्चर की बनी हुई है उसमें जाकर के आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 18। गुणसूत्र होते हैं वो डिप्लोइड होते हैं, ध्यान रखना, डिप्लोइड गुणसूत्रों की संख्या 18 होती है। अगर आधारी या फिर अगुणित गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 9, है ना। ठीक है, इसके अलावा जो पुष्प क्रम है वो पेनिकल कहलाता है। इसके बाद में अगर इसमें अपन बात करें विटामिन में जो ये पपीता है इसमें केले के आम के बाद में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और इसकी मात्रा कितनी होती है 2020 IU पर 100 ग्राम, 2020 IU पर 100 ग्राम। ठीक है, और एक चीज ध्यान में रखना, जो तुम्हारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसमें इसको दे रखा है विटामिन ए की मात्रा दे रखी है 2500 IU पर 100 ग्राम। ठीक है, आईयू क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट, इसका पूरा नाम आईयू का, और एक इंटरनेशनल यूनिट में कितना होता है, एक आईयू में 0.003 मिलीग्राम। ठीक है ना, 0.003 मिलीग्राम। तो विटामिन ए की मात्रा इसमें 2020 से आईयू पर 100 ग्राम, या फिर जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उस बुक के अकॉर्डिंग इसमें होता है 2500 आईयू पर 100 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, विटामिन सी की मात्रा होती है 85 ग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, 85 ग्राम पर 100 ग्राम इसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा और अपन जनरल चीजों की बात करें, इसका उत्पादन की बात करें तो उत्पादन देखो सबसे अधिक है और भारत में सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, ये जो डाटा है ना, ये डाटा थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, हर बार नए डाटा आते हैं। ठीक है, तो इनके जो डाटा है वो एक बार अपन लास्ट में और डिस्कस करेंगे, लेकिन अब भी अपने को मोटा मोटी याद रखना है। ठीक है, अगर विश्व की बात करें तो विश्व में भारत की फोर्थ रैंक है पपीता उत्पादन में। ठीक है ना, भारत की फोर्थ रैंक। ठीक है, अगर भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक देखो तमिलनाडु में होता है, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में होता है, और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में होता है, और इसके अलावा कोटा में होता है। ठीक है, अब देखो एक और चीज इम्पोर्टेंट, आपने पिछली जो क्लास थी उसमें पढ़ा था कि सबसे अधिक जो फलों में उत्पादकता है, है ना, फलों में उत्पादकता जितने भी फ्रूट्स है उत्पादकता सर्वाधिक किसके थी, आपने कल पढ़ा था केला के। ठीक है ना, अब देखो केला के बाद में पपीता का उत्पादकता में भारत में दूसरा स्थान आता है। ठीक है, तो उत्पादकता में केले के बाद में कौन सा आता है, दो नंबर पर पपीता। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा चांस तो फर्स्ट का ही पूछने का रहता है, जब पहला होता है फर्स्ट पोजिशन पर होता है वही पूछा जाता है ना। जैसे आपने सभी जानते हैं कि चांद पर जो फर्स्ट व्यक्ति पहुंचा था वो कौन था, इसके बाद में सेकंड था कौन था, ये अपन कोई नहीं जानते, है ना, तो फर्स्ट की वैल्यू ज्यादा रहती है, इसीलिए सारे फर्स्ट आने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, उत्पादकता है वो सबसे अधिक केले की है, और केले के बाद में पपीता की है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन आगे कल्टिवेशन पर चले तो इसका इसके लिए जो जलवायु है वो सर्वोत्तम जलवायु रहती है उष्ण जलवायु। ठीक है, गर्म जलवायु का होता है। ठीक है ना, अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो इसका अच्छी वृद्धि के लिए
22 से लेकर के 26 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर है वो इसके लिए खेती के लिए उपयुक्त रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बढ़िया इंपोर्टेंट बात है, जो पपीता की फसल है वो पाला के प्रति या फ्रोस्ट के प्रति, फ्रोस्ट या पाला के प्रति संवेदनशील है, पाला के प्रति संवेदनशील है ना। इसके अलावा ये वाटर लॉगिंग के प्रति भी संवेदनशील है, ध्यान रखना वाटर लॉगिंग के प्रति भी संवेदनशील है, जिसको बोलते हैं अपने हिंदी में जल भराव, जल भराव के प्रति संवेदनशील, दोनों के प्रति संवेदनशील है, ध्यान रखना वाटर लॉगिंग के प्रति भी और जल भराव के प्रति भी, दोनों के प्रति संवेदनशील प्रश्न है, दोनों इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूछे गए प्रश्न है, पहले आ चुके एग्जाम में है ना। इसके बाद में अगर और इसमें जलवायु की अगर अपन बात करें तो सभी फसलों में अपने पहले भी पढ़ा था कि भाई ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें फ्लोरिंग स्टेज पर वर्षा हो रही है तो नुकसान नहीं होगा, है ना। तो फ्लोरिंग स्टेज पर पपीता में भी किसी प्रकार का कोई वातावरण है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार की वर्षा है या तेज आंधी तूफान वगैरह नहीं आना चाहिए। और इसके अलावा ताप जो जलवायु है या जो जिसको अपन बोलते हैं कि वातावरण है वो एकदम साफ होना चाहिए, किसी भी प्रकार के बादल वगैरह नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन मृदा की बात करें, सोयल की बात करें, तो इसकी खेती के लिए उपयुक्त मृदा रहती है बलुई दोमट, बलुई दोमट। ठीक है, और इसका पीएच मान रहता है 6.5 से 7.5 के बीच में, ये अपने जनरली सभी जगह पढ़ते हैं जो फ्रूट वाले ग्रुप है सारी भी लगभग एवरेज इनका जो पीएच मान है वो इससे ज्यादा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है, जो पपीता की फसल है ना इसकी जड़े हैं वो अधिक गहराई में नहीं जाती, जड़े ज्यादा गहराई में नहीं जाएगी तो क्या होगा इसमें जो जल भराव की समस्या है वो ज्यादा होगी। ठीक है ना, क्योंकि देखो थोड़ा सा ही जैसे यहाँ पर जड़े हैं ज्यादा गहराई में नहीं जा रही, ठीक है यहाँ तक जा रही है, तो यहाँ का क्या होगा जैसे जल अपने ज्यादा भर देंगे तो ये जड़े हैं वो जो पकड़ है जमीन के साथ में वो छूट जाएगी और पौधा है वो गिर जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी पपीता में एक नुकसान होता है, जैसे पानी तने के टच में आ जाता है ना, स्टेम के अगर टच में आ जाता है तो उसमें तुरंत आर्द्र गलन है या स्टेम रोट है वो बीमारी लग जाती है, जिससे क्या होता है पौधा खराब हो जाता है। ठीक है, तो मिट्टी में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ऐसी जगह प्लांटिंग करनी है जहां पर जल निकास की पूर्ण व्यवस्था हो, अगर जल निकास की व्यवस्था नहीं रहेगी तो फिर ये समस्या बार बार आती रहेगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है प्रोपोगेशन या प्रवर्धन, प्रवर्धन या प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन देखो पपीता का इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पपीता का जो प्रवर्धन है वो बीज द्वारा होता है। ठीक है ना, बहुत बार प्रश्न भी पूछा गया है कि बीज द्वारा परिवर्तन किस में होता है या फिर कैसे भी करके पपीता में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, ये जनरली बार बार पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पपीता की जो परिवर्तन की व्यावसायिक विधि है वो कौन सी है, बीज द्वारा। इसके अलावा पपीता में आजकल माइक्रो प्रोपोगेशन द्वारा या जिसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा भी पौधे तैयार किए जा चुके हैं। ठीक है, कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा भी, प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा भी इसमें पौधे तैयार किए जाते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखना, जैसे अपन बात करें ना ट्रांसजेनिक की, जैसे ओवरऑल एग्रीकल्चर की बात करें तो ओवरऑल एग्रीकल्चर में जो सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल थी वो कौन सी थी, तंबाकू, है ना। आप सब जानते हो कि पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी, तंबाकू। अगर अपन फलों की बात करें, ठीक है, फलों में जो प्रथम ट्रांसजेनिक फसल थी वो कौन सी थी, पपीता। ठीक है ना, और इसमें पपीता में ट्रांसजेनिक जो वेराइटियां हैं सन्नापा है, रेनबो है, ठीक है, उनके बारे में वेराइटी पढ़ेंगे आगे तब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना, फलों में प्रथम ट्रांसप्लांट जो फसल थी वो कौन सी थी, पपीता थी। ठीक है, इसके बाद में प्रवर्तन इसमें बीज द्वारा हो गया और प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया। ठीक है, इसके बाद में नर्सरी तैयार की जाती है, तो नर्सरी तैयार करने का समय, नर्सरी तैयार करने का समय, पपीता में नर्सरी तैयार करने के लिए उचित उपयुक्त जो समय रहता है वो रहता है मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। ठीक है, और इसके बाद में ट्रांसप्लांटिंग का उचित समय, ट्रांसप्लांटिंग का उपयुक्त समय जून का अंतिम सप्ताह, जून का अंतिम सप्ताह, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं जून जुलाई। ठीक है, वर्षा ऋतु उपयुक्त रहती है पौधरोपण के लिए। ठीक है,
जून जुलाई या फिर जून का अंतिम सप्ताह एक ही बात है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करें कि इसमें ट्रांसप्लांटिंग के बाद में अगर अपन देखें कि भाई गड्ढे है, गड्ढे का आकार इसमें जो गड्ढे खोदे जाते हैं वो गड्ढों का आकार रहता है 45 सेंटीमीटर गड्ढे का आकार रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में प्लांट से प्लांट की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी है वो 3 मीटर रखी जाती है, ठीक है। और जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसमें दे रखा है 2x2 मीटर, ठीक है, 2x2 मीटर। इसके अलावा वेराइटियों में जैसे पूसा नन्ना की बात करें उसमें 1.25x1.25 भी दे रखे हैं, लेकिन वो वेराइटी में अपन एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ऑप्शन में अगर आपके 3 के साथ में 2 वैसे तो नहीं आएंगे, ठीक है, और जब 2 आए 3 नहीं आए तो फिर आपको 2x2 मीटर करना है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में 2x2 मीटर दे रखे हैं और वैसे जो बड़ी बुक है उसमें 3x3 मीटर दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें इसमें जो सीड रेट है वो कितनी रखी जाती है, एक हेक्टर में पौधे ट्रांसप्लांट करने के लिए अपन नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी में कितने पौधों की यानी कि कितने बीजों की आवश्यकता रहती है, तो एक हेक्टर में ट्रांसप्लांट करने के लिए देखो 400 से 500 ग्राम पर एकड़ रहेगी डायोसियस किस्मों के लिए, ठीक है, डायोसियस किस्मों के लिए 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़, ठीक है। गाइनोडायोसियस किस्मों के लिए, गाइनोडायोसियस किस्मों के लिए जो बीज दर है वो है 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टर। अब देखो ये तो जो है ज्यादातर बुक में 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ या फिर 250 से 300 ग्राम में प्रति एकड़ दे रखा है, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसमें आपके इसमें जो डायोसियस वेराइटियां हैं, डायोसियस जो किस्म है इसमें सीड रेट दे रखी है आपकी 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़, ठीक है। और ये जो गायनोडायोसियस किस्में है, गायनोडायोसियस किस्में हैं इसमें जो सीड दर दे रखी है आपकी वो है 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट याद होनी चाहिए क्योंकि जो वर्ड है कोई सा भी वो आपकी माध्यमिक बुक को पहले प्रिपेयर करता है, उसको पहले मानेगा कि भाई आपकी ये जो बुक है वो सही है। तो आपको डायोसिस जो किस्में है उनकी 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ रखी जाती है और गायनोडायोसिस जो वेराइटी है उसकी 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ सीड रेट है वो रखी जाती है, कहाँ पर, नर्सरी तैयार करते समय, ठीक है ना। इसके बाद में देखो आगे अगर अपन बात करें इसका जो ट्रांसप्लांटिंग का टाइम है वो टाइम आपका रह गया जून जुलाई, ठीक है। इसके बाद में अगर अपने सिंचाई की बात करें, एक देखो बीज को उपचार भी करते हैं अपन, ठीक है, और बीज उपचार देखो जो अपने मुख्य बीमारी है नर्सरी की मुख्य बीमारी, ठीक है, नर्सरी की मुख्य बीमारी कौन सी है, डैम्पिंग ऑफ, ठीक है। और डैम्पिंग ऑफ जो बीमारी है उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए या ये जो बीमारी फैलती है वो किसके कारण फैलती है, कवक के द्वारा, ठीक है, पीथियम स्पीसीज नामक कवक होती है उस कवक के द्वारा ये बीमारी फैलती है, ठीक है। तो अपन सीड उपचार किसके प्रति करेंगे, कवक के प्रति करेंगे, यानी कि कवक को रेसिस्टेंट या कवक से बचाव के लिए अपन सीड उपचार करते हैं। और आपको पता है कि कवक से बचाने के लिए सीड ट्रीटमेंट के लिए अपन दो जो कीटनाशक कवकनाशी है वो यूज करते हैं, ठीक है, एक तो आपका थायरम है और दूसरा केप्टान है, ये दोनों अपन मोस्टली यूज करते हैं जनरली, इसके अलावा कार्बेंडाजिम भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, और इसके अलावा और भी बीमारियों के प्रति अलग अलग बीमारियों के प्रति अलग अलग यूज करते हैं। लेकिन आपको भी ये जानकारी रखना है, आपको पता है अगर ये आपकी जो डैम्पिंग ऑफ के द्वारा बीमारी हो रही है तो इसमें आपको थायरम या केप्टान के द्वारा बीज उपचारित कर देना है, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, इसमें जो सीड रहते हैं ना बीज, पपीता के बीज देखा होगा आपने, बीज के ऊपर एक व्हाइट परत सी रहती है, सफेद परत सी रहती है, ठीक है, और उस परत, ये परत क्या काम करती है, इसका जो जर्मिनेशन होता है, अंकुरण होता है, उस अंकुरण को रोक देती है, ठीक है। और वो परत है वो किसकी बनी होती है, ये जो परत है वो सार्कोपेस्टा के द्वारा बनी होती है ना, सार्कोपेस्टा की बनी होती है, ठीक है ना, सार्कोपेस्टा
के निर्माण से ये निर्माण होती है, इसका निर्माण होता है और इसके बाद में ये जो क्या काम करती है कि जो पपीता में प्रमुख प्रॉब्लम के कारण बन जाती है, इसमें जो अंकुरण है वो अंकुरण को रोक देती है, ठीक है। इसके अलावा और अगर अपन बात करें जो सीड है वो, अगर 100 ग्राम सीड की बात करें तो 100 ग्राम सीड में लगभग पपीता के 20 बीज आ जाते हैं, ठीक है। इतना डीपली आपसे भी पूछेंगे, बस आपको सीड रियल इसमें ध्यान में रखने, डायोसियस और गायनोडायोसियस क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो आपने अगर इन्हीं चीजों पर वापस बात करते रहेंगे, एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई हॉर्टिकल्चर की जितने भी क्रॉप है या जो भी आपने फसलें हैं जैसे या जनरली हॉर्टिकल्चर है, वो सारे के सारे जो वीडियोस आ रहे हैं या जो टॉपिक है ना, जितने भी टॉपिक है वो एक दूसरे से रिलेटेड है ना। अब इनके बारे में अपने डिटेल से डिस्कस पहले कर चुके, एक पूरा अलग से वीडियो बना चुके, ठीक है। डायोसियस क्या होता है, गायनोडायोसियस क्या होता है, डायोसियस यानी कि एक लिंगी जिसको हिंदी में बोलते हैं, और नर और मादा भाग है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। नर और मादा जो पुष्प होते हैं ना वो अलग अलग पौधों के ऊपर आता है, ठीक है। और पपीता में मादा व नर का अनुपात रखा जाता है, मादा व नर पौधों का अनुपात है ना। देखो पपीता में ये जो पुष्प आते हैं ना, नर पुष्प आते हैं, मादा पुष्प आते हैं, गायनोडायोसियस है, डायोसियस है, ठीक है ना, ये अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है, ठीक है। इसलिए मादा जो पौधे लगाते हैं, मादा पुष्प वाले जो पौधे लगाते हैं, उसके साथ में नर पुष्प वाले पौधे भी अपने को लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनका अनुपात आपसे पूछा जाता है, तो इनका अनुपात अपन रखते हैं 10:1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो अपने से पूछ रहा है मादा का पूछ रहा है या नर का पूछ रहा है, ठीक है ना। कहीं अपने ऐसे कर देंगे जहाँ पर जैसे एग्जाम में है कि नर अनुपात मादा कितना रखते हैं, है ना, तो वहां पर अगर नर पहले आ गया तो अपने तो यही रटा हुआ रहेगा कि 10:1, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पेपर है, क्वेश्चन है, वो आराम से पढ़ने चाहिए। तो 10:1 यानी कि 10 पौधे मादा के और 1 पौधा नर का, ठीक है। अगर अपने इस प्रकार से लगाएंगे ना, 10 पौधे मादा के लगाएंगे और 1 पौधा नर का लगाएंगे, तो जो पौधों की संख्या वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। जैसे अपने रेशो निकालते हैं तो रेशो कितने पे निकालते हैं, 100 पर 100 पर निकालते हैं ना। अगर अपन 10 देखें तो इसका हो गया 100 और इसका हो गया 10, 110 हो गई है, तो है ना। रेशो तो अपने को कितने पे निकालना होता है, 100 पर निकालना होता है, ठीक है। तो इसका जो एक्यूरेट अनुपात रहता है ना, एक्यूरेट अनुपात तो रहता है 9:1, ठीक है। जनरली भाषा में बोल दिया जाता है, जनरल अपने थोड़ा सा आप उसमें डेटा भरते हैं, उनको बोल दिया जाता है 10:1, ठीक है। अगर एक्यूरेसी ये दोनों ऑप्शन में रहना, 10:1 और 9:1, तो आपका राइट आंसर होगा 9:1, है ना। और थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना, नर और मादा का, मादा पुष्प है वो 9 रखे जाते हैं, नर पुष्प है उनकी संख्या 10% रहती है। सीधा जनरली पूछ लेते हैं कि नर पुष्पों की, नर पौधों की संख्या कितनी रखते हैं, तो नर पौधों की संख्या कितनी रखते हैं, 10%, ये भी आपको सीधा ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आगे अपन बात करें, पपेन की है ना, पपीता से जो मुख्य निकलने वाला छाल है या लेटेक्स है, जिसको अपन पपेन बोलते हैं, ठीक है। तो पपेन की बात करें तो पपेन में सबसे पहला तो प्रश्न यही पूछा जाता है कि पपेन किससे निकाला जाता है, ठीक है, यानी कि कौन से फल से निकलता है पपेन, तो पपीता हो गया, ठीक है। और दूसरा इसमें एंजाइम पूछा जाता है, कौन सा एंजाइम होता है, इसमें जो एंजाइम होता है वो एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें जो एक प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी पाई जाती है, प्रोटीन की मात्रा भी पूछ ली जाती है, तो प्रोटीन इसमें पाया जाता है 72.2%, ठीक है, 72.2%, ठीक है। इसके बाद में इसका पूछ लिया जाता है पपेन का यूज क्या है, उपयोग क्या है, ठीक है। उपयोग की बात करें तो पेट संबंधी जो बीमारियां हैं, पेट संबंधी बीमारियों को रोकने के लिए, बीमारियों का निवारण के लिए, ठीक है। इसके अलावा एल्कोहल निर्माण के लिए, एल्कोहल निर्माण के लिए, इसके अलावा च्युइंगम बनाने हेतु, च्युइंगम बनाने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, पपेन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब जो पपेन है वो कब निकाला जाता है, तो पपेन निकालने का उचित समय है, उचित समय इसका है सुबह 6 से 9 बजे,
ठीक है, सुबह 6 से 9 बजे तक, यानी कि सूर्योदय से पहले, कई बार ऐसा भी प्रश्न दे देते हैं कि सूर्योदय से पहले सूर्योदय के बाद में, ठीक है, तो सूर्योदय से पहले जो पपेन की मात्रा है वो अच्छी तरह से निकलती है, ठीक है। इसके बाद में अपने को एक चीज और ध्यान में रखनी है कि पपेन भाई फलों से कब निकलते हैं, कौन से फलों से पपेन निकाला जाता है, ठीक है। तो पपेन हमेशा कच्चे फलों से निकाला जाता है, ठीक है, कच्चे फलों से, कच्चे फलों से या फिर कच्चे व हरे फलों से पपेन निकाला जाता है। इसके अलावा कई बार 3/4 भाग जब पौधा पक जाता है, यानी कि 75% जो फल है वो पक जाता है, पकने पर भी इसमें चीरा लगा देते हैं, 3/4 भाग भी दे देते हैं, या कच्चे फलों का या फिर अर्ध पके फल भी आ सकता है, तीनों ध्यान में रखना, ठीक है। प्रश्न कैसे आएगा कि पपेन फलों से कब निकाला जाता है, तो या तो ऑप्शन में आ जाएगा अर्ध पके फलों से, या पपेन निकलता है अर्ध पके फलों से, दूसरा 3/4 भाग पके फलों से, या फिर कच्चे हरे फलों से, तो कच्चे हरे फल या फिर अर्ध पके फल या फिर आपके 3/4 एक ही बात है, 3/4 है ना, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना। इसके बाद में अगर अपन और बात करें तो जैसे फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है ना, फ्रूटिंग आने के 3 मंथ बाद में ये जो कट लगाने का काम है वो स्टार्ट करेंगे, 3 माह बाद में, है ना, फ्रूटिंग आने के 3 माह बाद में अपन क्या काम करेंगे, पौधे में जो फल है फल में कट लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जो कट लगाते हैं वो 3 से 4 mm लंबा, 4 से 5 mm चौड़ाई में कट लगाते हैं, और एक जो फल होता है उस फल पर लगभग अपने 12 से 15 बार फल लगाते हैं, ठीक है, 12 से 15 बार कट लगाते हैं एक फल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद में जो कटे हुए फल होते हैं ना, अब उन फलों का क्या यूज होता है, देखो अगर अपन मार्केट में लेके जाएंगे तो वहां पर तो किसी प्रकार का यूज होने से डालना है, कोई भी जो कस्टमर होगा वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि अपन भी जब मार्केट में जाते हैं तो अपन भी तो एक मतलब ऐसे फ्रूट खरीदना पसंद करेंगे जो किसी प्रकार से डैमेज नहीं हो, किसी प्रकार से उसमें समस्या नहीं हो, ठीक है। तो ये जो फल होते हैं यानी कि जिसमें चीरा लगा दिया जाता है, तो अब इस फल में देखो एक तो क्वालिटी है इसकी डाउन नहीं होगी, है ना, क्वालिटी पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्वालिटी तो हो ही जाएगी लेकिन लोग खरीदना है वो पसंद नहीं करते, ठीक है। तो आपने ऐसे जो फल है उन फलों का आपने क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब देखो ऐसे जो फल है उनका अपन एक तो कर सकते हैं जैम बना सकते हैं, जेली बना सकते हैं, इसके अलावा अपन ताजा खाने में काम में ले सकते हैं, जूस बनाने के काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टूटी फ्रूटी जिसको कैंडी बोल रहे हैं, टूटी फ्रूटी बनाने में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उपयोग की बात करें तो उपयोग इसके कौन कौन से हो गए, एक तो जैम बनाने में, जैम मुरबा, ठीक है, इसके अलावा टूटी फ्रूटी और जूस बनाने, ठीक है। ये किसका यूज, किसके यूज की बात करें अपन, जिस फल में कट लगा दिया आपने, चीरा लगा दिया, चीरा लगा करके पपेन निकाल लिया, पपेन निकालने के बाद में जो फल बचते हैं ना उसमें या तो अपन जैम बना लेंगे या मुरबा बना लेंगे या टूटी फ्रूटी बना लेंगे या फिर जूस बना लेंगे, ठीक है। टूटी फ्रूटी क्या होता है, जो अपने जनरली जैसे पपाया वगैरह के जूस वगैरह पीते हैं ना, जूस के ऊपर जो चेरी रहती है ना, उस चेरी को टूटी फ्रूटी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये टूटी फ्रूटी बनाने में या जूस बनाने में इसका यूज कर लिया जाता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके बाद में और देखो पपीता से जो विधि है, मेथड है, वो क्या काम, देखो किस प्रकार से जूस है वो निकाल जाता है, जैसे कोई फल लगा हुआ है, ठीक है ना, इस प्रकार से कोई फल है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ाई में, है ना, और फिर 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई में, इसमें लगभग एक फल के ऊपर 4 से 5 कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद में जैसे ही कट लगाएंगे तो इसमें सफेद दूध जैसे पदार्थ है वो बाहर निकलेगा, उसको अपन थैली में या एल्यूमिनियम के बर्तन में एकत्रित करते रहेंगे। ये जो कट लगाने का काम है वो सुबह 6 से 9 बजे के बीच में करते हैं, सुबह जल्दी है वो काम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में एक फल के ऊपर 12 से 15 बार कट लगा सकते हैं, और ये जो कट है वो इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। इसके बाद में इसका जो एंजाइम, इसका जो पपेन का यूज है वो आपने पढ़ लिया, ठीक है। और इसके बाद में अगर उत्पादन की बात करें, पपेन उत्पादन की बात करें, तो पपेन का उत्पादन है वो लगभग 200 ग्राम पर प्लांट होता है, 200 ग्राम पर प्लांट, ठीक है। और टोटल फलों की उपज की बात करें तो फलों की उपज रहती है 40 से 50 केजी पर प्लांट, ठीक है, 40
40 से 50 केजी पर प्लांट उपज रहती है, ठीक है। इसके बाद में कुछ जनरल चीजें और बची हुई है, जैसे अगर अपन बात करें कि केल पपीता का जो फल है वो सबसे जल्दी बढ़ने वाला फल है और लगभग 12 से 15 माह बाद, है ना, 12 से ट्रांसप्लांट पौधरोपण के 12 से 15 माह बाद में ये फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है, यानी कि इसमें फल आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा केला और पपीता है, ये दोनों बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपके एक तो वैरायटी बची हुई है और दूसरी इसमें बची हुई है आपके कीट और बीमारियां, ठीक है। तो उनका डिस्कस अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।